उत्तर भारत में कातिल ठंड और हिम वर्षा की सीधी असर गुजरात में शीतलहर के साथ ठंड का पारा बढ़ चुका है। ऐसे में वडोदरा शहर में भी पिछले कई दिनों से शीतलहर के साथ काफी बर्फीली ठंड महसूस होते हुए शहर के कमांडी बाग स्थित आए हुए वैसे प्राणी संग्रहालय में विशेष रूप से पशु जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था बढ़ाई गई है। उत्तर भारत में कातिल ठंड ने एक बार फिर देश को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया है। उत्तर भारत की कातिल ठंड के सीधी असर राजस्थान और गुजरात में हो रही है। पिछले कई दिनों से शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव के कारण एक बार फिर गुजरात में ठंड का पारा काफी बढ़ चुका है। ऐसे में गुजरात राज्य में पिछले कई दिनों से नलिया में सबसे कम तापमान यानी कि 2.4 डिग्री दर्ज हुआ था। अहमदाबाद सहित राज्य के अधिकतम शहरों में महत्तम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से भी कम होने की जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसे में कातिल बढ़ रही वैसी ठंड की सीधी असर इंसानों के साथ बेजुबान पशु जानवरों पर भी नजर आ रही है। जहां कातिल ठंड और शीतलहर के ध्यान में रखते हुए और बढ़ रही वैसी ठंड को ध्यान में रखने के भागरूप वडोदरा के कमाटी बाग स्थित प्राणी संग्रहालय में बेजुबान पशु जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। पिछले कई दिनों से महसूस हो रही वैसी ठिठुरने के लिए मजबूर करती शीत हवा की सीधी असर पशु जानवरों पर हो रही है, जिसकी गंभीरता को लेते हुए और पशु जानवरों के आरोग्य की चिंता करते हुए फिलहाल प्रशासन द्वारा तमाम पशु जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। कमाटी बाग में आए हुए वैसे जंगली जानवर बाघ शेर के लिए यहां पर घास का बिस्तर बनाने के साथ पंछियों के लिए उनके पिंजरों पर गर्म कपड़ों से उन्हें लिपटा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इंसानों के लिए ठंड से निजात पाने के लिए वे लोग अलाव जलाकर गर्मी प्रदान करते हैं, लेकिन बेजुबान पशु जानवरों की कई बार ठंड के कारण भी मौत होने की घटना प्रकाश में आई है, जिसको ध्यान में रखते हुए कमाटी बाग जू अथॉरिटी द्वारा फिलहाल पंछियों के पिंजरे पर गर्म कपड़ों से उन्हें लिपटा जा रहा है। तो वहीं जंगली जानवर जैसे बाघ शेर तेंदुए के लिए उनके लिए विशेष रूप से घास का बिस्तर लगाने की विशेष व्यवस्था बनाई गई है।